कुछ पल दोनों बच्चे से अकेले में कुछ बात करूंगी। क्यों नहीं, अब दोनों माँ बेटे हो, मुझे अब क्या गम है। पुत्र सीत जी पिताजी बताओ, ये बता पुत्र क्या पिताजी तुम्हारी माँ का विचार कैसा है। ओहो माँ की विचार। हाँ? पिताश्री हमें तो लगा जो माँ इस दुनिया संसार को छोड़ करके स्वर्गवास हो गई, लगा कि वही माँ फिर से वापस आ गई। माँ का विचार बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुंदर। क्यों नहीं पुत्र बसर जी पिताश्री बताओ माँ की विचार तुम्हें कैसा लगा। अति सुंदर माँ की विचार और स्वभाव पाकर मैं भी धन्य हो गया पिताश्री। पुत्र सीत बसर जी पिताश्री आज अपने पिता को वचन दो। वचन वचन ये दो कि आज के बाद माँ की आज्ञा अनुकूल चल जाए। क्यों नहीं पिताश्री, माँ की आज्ञा अनुकूल पढ़ना लिखना हर काम माँ की आज्ञा के बिना नहीं होना चाहिए। अवश्य पिताश्री, जब भी तुम्हारी माँ खुश रहे और तुम खुश रहो यही तुम्हारे पिता का कामना है। हम दोनों भाई इस वक्त वचन देता हूँ पिताश्री, आज से मेरी माँ जो कहेंगे वो हम दोनों भाई अवश्य करूंगा। अवश्य महारानी, तुम दोनों बच्चे से बात करो और मैं थोड़ा आराम करता हूँ। हेलो और आइए इसी सीन पे खुश होकर के इनाम के दौर में गौर फरमाए हैं। आप हैं सुनील खलासी, क्या बात है हमारे बड़े भैया सुनील खलासी जी को नहीं रहा गया, लगा दिल में चोट निकल गया 10 रुपए का नोट। कार्यक्रम कोर से हमारे बड़े भैया सुनील खलासी जी को माँ सरस्वती म्यूजिकल ग्रुप कोर से हार्दिक अभिनंदन है और साथ साथ 20 रुपए का और पुरस्कार आए हुए हैं और आप हैं राजू रमन। आप श्रीमान राजू रमन स्थानीय डिम्भा पर्वता से, इन्होंने शानदार सा शीत और बसंत आज का अभिनय इस नाटक को कदर करते हुए 20 रुपए से नवाजे हैं। माँ सरस्वती म्यूजिकल ग्रुप कोर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। अरे पुत्र हाँ माता श्री। अरे बाप तुम दोनों भाई कितना सुंदर लग रहे हो देखने में। हाँ तुम तो भी सुंदर लग रही हो माँ। ओ लो लो बेटा। क्यों नहीं माँ, ओ लो 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 माता श्री। लेकिन पुत्र क्या हुआ माँ, एक भाई इधर आओ। हाँ मैं ही आ जाता हूँ। क्या है, मैं आज महल पाली दिन आई हूँ। हाँ आई हूँ। मैं तो तुम दोनों भाई का अच्छी तरह से नाम नहीं जानती हूँ। क्या नाम नहीं जानती हो, पहले तुम दोनों भाई मुझे नाम बताओ क्या नाम है। हम दोनों भाई के नाम है जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी नहीं माँ, मेरा नाम शीत कुमार है। शीत कुमार। हाँ मैं बड़ा हूँ। ओहो वो छोटा है। कितना प्यारा नाम है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ठिकाधारी उतना चिस्सा नाम भी है। और तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम बसंत कुमार है माँ। बसंत कुमार जी माता श्री। अरे बाप रे बाप, बड़े भाई का नाम सीत और छोटे भाई का नाम बसंत, क्या बहुत प्यारा नाम है। प्यारा नाम है लेकिन सीत और बसंत। लेकिन क्या तुम दोनों भाई को ये बात मालूम है क्या, तुम्हारे पिताजी जो मुझे इस महल में शादी करके लाए, किस लिए लाए। खाना बनाने के लिए। खाना वो तो मैं खाना बनाऊंगी। अच्छा लेकिन तुम दोनों भाई को देखभाल करने के लाए हैं। देखभाल। अब मैं इस महल में आ गई हूँ, मैं अपने हाथों से तुम दोनों भाई को भोजन बनाकर खिलाऊंगी और अपने हाथों से स्नान कराऊंगी। क्यों नहीं, और समय से गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए भेजूंगी। अवश्य। लेकिन माँ मेरी मेरे कपड़े आज गंदे हो गए। अब मैं आ गई हूँ, चिंता करने कोई जरूरत नहीं। नोड़ी पानी नहीं खींचता है, मैं अपने हाथों से साफ करूंगी। अच्छी तरह से लेकिन साफ करना। सबसे पहले महल चलो। हाँ? तुम दोनों भाई मेरे हाथों से दूध पीकर गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए चले जाना। ठीक है चलो। ठीक है चलो। अरे माँ आज तो इतनी सुंदर लग रही है। देखो हमारे मानिकपुर शहर में देवों के देव महादेव ने कोई चीज का कमी नहीं दिया, लेकिन सब कुछ रहते हुए एक माँ के बगैर हमारा आंगन सुना था, घर सुना था, मेरा जीवन सुना था। ऐसा लगता था सब कुछ रहते हुए फिर भी हम अनाथ है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप ऐसा बात नहीं सोचना, अनाथ तो नहीं हूँ, मैं हूँ ना। आज आपको आते ही 4 चांद लग गया। और देखो ऋतिक म्यूजिक सेंटर चैनल के माध्यम से हम लोग पूरा फैमिली सीत और बसंत दिखाई दे रहे हैं।
सबको हाय बोल दो। ओके आइए, आप देख रहे हैं रितिक म्यूजिक सेंटर चैनल के माध्यम से शीत और बसंत धारावाहिक कार्यक्रम। इस चैनल को ढेर सारे प्यार दें, आशीर्वाद दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, बगल वाला घंटी को दबाना ना भूलें। थैंक यू। ओके ठीक है पुत्र, अब महल चलो। सबसे पहले महल में जाकर दूध पीकर गुरु पाठ शाला जाना पढ़ाई करने के लिए। चलिए ठीक है, चलने की तैयारी करें। चलो बेटा, हाँ चलो भाग्य जवाब दीजिएगा। आप सब पहले मुझे ये बताइए, इस समय मेरी उम्र क्या है? कितना होगा? वही 16 या 17? 16 या 17? मेरी उम्र 16 17। और जिसके साथ अनि मेरी शादी हुई है, अनि महाराज की उम्र क्या है? उसका तो बाप रे बाप 70 या 75 होगा। कितना? 70 से 75 होगा। 70 से 75 वर्ष? हाँ। Oh my God, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं 15-16 साल की नई नवीनी दुल्हन और महाराज का उम्र 70 से 75 वर्ष। आप ही सब फैसला कीजिए, मैं महाराज के साथ इस चढ़ती जवानी को कैसे गुजारूंगी? मैं जब इस महल में आई हूँ, जब से मैं सीत और बसंत को देखी हूँ, मैं उसी समय अपने मन में प्रतिज्ञा किया हूँ, अगर मैं इस महल में रहूंगी तो महाराज के साथ नहीं। इस घर में दो दो जवान लड़का सीत और बसंत है, सीत और बसंत को प्रेम के जाल में फंसाऊंगी, उनसे मैं लव मैरिज करूंगी। अगर नहीं मानेगा ये स्वर्ग जैसे घर को मैं नरक बना डालूंगी। ठीक है, आज पहली दिन है, मैं दोनों भाई गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए भेज दिया हूँ। जैसे पाठशाला से आपस आएगा क्या? ठीक है करते हैं। जैसे दोनों भाई गुरु पाठशाला से आपस आएगा, अवश्य मैं सीतारों के सम के पर प्यार का जाल फैलाऊंगी, प्यार के जाल में फंसाऊंगी। मैं कुछ ही दिनों के बाद दोनों भाई से मैं शादी करूंगी। अब मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ, आगे देखते क्या होते हैं। हेलो,